हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला जो वर्ड है क्या है, हिड फॉर। हिड फॉर मतलब क्या होता है साथियों, किसी की तरफ जाना, यानी टू मूव टुवार्ड, किसी की तरफ जाना। हिड फॉर, टू मूव टुवार्ड। हिड फॉर मतलब क्या होता है, मूव। मूव मतलब जानते होंगे, वन जैसे फ्रॉम, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी मूव करना क्या, एक जगह से दूसरा जगह। टुवार्ड्स मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, किसी तरफ जाना। अगला साथ हीड इन टू, क्या है अगला दोस्तों, हीड इन टू, इसका अर्थ होता है टू कैरी समथिंग। टू कैरी, कैरी मतलब पकड़ना होता है, समथिंग मतलब बस, तो टू कैरी समथिंग मतलब किसी चीज़ को ले जाना पकड़ कर, मतलब कि किसी चीज़ को कहीं ले जाना। अगला साथ हीट आउट, हीट करना। हीट मतलब क्या होता है, किसी को हीट करना, मतलब कि जैसे बल्लेबाजी हीट करता है। तो अटैक वर्बली, इसका क्या होता है, अटैक करना वर्बली, यानी वर्बली मतलब बोल कर, यानी कि व्यक्त करके किसी को क्या करना, अटैक करना, रोकना, व्यक्त करने से रोकना, छुपा लेना, मैंने बोलने से क्या करना, रोक लेना। अगला साथ ही होल्ड बैक, होल्ड बैक मतलब टू कंट्रोल एक्सप्रेशन नॉट टू रिवल, कंट्रोल करना एक्सप्रेशन को, अपनी भावनाओं को क्या करना, कंट्रोल करना, मतलब कोई चीज़ बोलने जा रहे थे उसको क्या करना, एक्सप्रेशन को रोक लेना, यानी नॉट टू रिवल, रिवल अपने जो सीक्रेट है उसको उजागर नहीं करना। अगला साथ होल्ड डाउन, होल्ड डाउन यानी टू प्रिवेंट बाई फोर्स, मतलब कि ज़बरदस्ती किसी को क्या करना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट करना किसी चीज़ को बारे में, मतलब कि पकड़, ज़बरदस्ती नियंत्रण करना, ज़बरदस्ती क्या करना, नियंत्रण करना, होल्ड डाउन। अगला सोचते होल्ड फोर्थ यानी टू स्पीक एट लेंथ, टू स्पीक एट लेंथ मतलब कि किसी चीज़ को बारे में विस्तार से बोलना। लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई जानते हैं कि बहुत चौड़ी होती है, यानी लंबाई मतलब क्या होता है, लेंथ में बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यानी किसी चीज़ के बारे में मतलब कि पूरा बोलना, डिटेल में बोलना। अगला होल्ड आउट अगेंस्ट मतलब टू रेसिस्ट, मतलब कि होल्ड आउट अगेंस्ट मतलब टू रेसिस्ट, मतलब देर या स्थगित करना, क्या करना, देर या स्थगित करना। होल्ड आउट अगेंस्ट मतलब क्या करना, टू रेसिस्ट करना। और होल्ड अप, होल्ड अप मतलब टू डिले और पोस्टपोन, क्या करना, डिले और पोस्टपोन करना। होल्ड आउट अगेंस्ट मतलब रेसिस्ट करना, पर प्रतिरोध करना, ये तो बोल दिए। होल्ड अप मतलब टू डिले और पोस्टपोन, यानी देर या स्थगित करना, देर करना या स्थगित करना। अगला साथ होल्ड विथ, होल्ड विथ मतलब टू अप्रूव, यानी सहमत होना, होल्ड विथ टू अप्रूव। अगला साथ इम्प्रेस आइडिया ऑन, इम्प्रेस आइडिया मतलब टू कन्विंस समवन, टू कन्विंस समवन मतलब समस्या को सुलझाना। इम्प्रेस आइडिया अनुरूप कन्विंस संबंध यानी समस्या को सुलझाना, सॉरी टू कन्वि, इम्प्रेस आइडिया मतलब टू कन्विंस संबंध यानी माइंड में बटनाना कोई बात को, कोई बात किसी व्यक्ति के, कोई बात किसी व्यक्ति के। अगला साल तो आयरन आउट, आयरन आउट मतलब टू म्यूचुअली रिसोल्व डिफिकल्टी यानी समस्या को सुलझाना। आयरन आउट मतलब टू म्यूचुअली रिसोल्व डिफिकल्टी यानी समस्या को क्या करना, सुलझाना, उसको बोलते हैं आयरन आउट। अगला जंप आउट कंक्लूजन, ड्री कंक्लूजन इन हरी, यानी जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकालना, उसको बोलते हैं यहाँ जंप आउट। अगला सा तो कीप अवे, टू मेंटेन डिस्टेंस यानी किसी से दूर रहना, कीप अवे मतलब टू मेंटेन डिस्टेंस, किसी के क्या करना, दूर रहना। अगला सा तो कीप फ्रॉम, टू कीप फ्रॉम का मतलब क्या होता है, टू अब्सटेन फ्रॉम यानी परहेज करना, किससे, तो बुरी संगति या बुरी चीज़ से। अगला साथ कीप अप, कीप अप मतलब क्या होता है साथ, तो मेंटेन इन गुड कंडीशन, क्या होना है, तो मेंटेन अच्छी स्थिति में रखना, कीप अप करना, जिसे बोलते हैं ना यू कीप अप, मतलब कि आप गुड कंडीशन में आप मेंटेन रखें, जैसे बोलते हैं कि आप फर्स्ट ला रहे हैं रैंक्स, तो बोलते हैं मैडम को टीचर बोले कि कीप कीप अप, मतलब इसको आप बनाए रखें, अच्छी स्थिति में रखना। कीप अप, कीप अप मतलब टू कंटिन्यू करना, यानी किसी काम को, कार्य को जारी रखना, कीप अप बोलते हैं कि कीप अप, जारी रखो साथियों। किक अगेंस्ट मतलब रिवोल्ट करना यानी विद्रोह करना, किक अगेंस्ट, किक मतलब किक जानते होंगे, फुटबॉल खेलते हैं तो किक, यानी किक अगेंस्ट टू रिवोल्ट यानी विद्रोह करना। नॉक डाउन टू थ्रस्ट समवन टू द ग्राउंड, यानी धक्का मारकर नॉक डाउन करना, डाउन नॉक यानी टू थ्रस्ट समवन टू द ग्राउंड, यानी धक्का मारकर क्या करना, गिरा देना। अगला साथ नॉक डाउन मतलब टू अर्न एन अमाउंट यानी पैसा कमाना। अगला साथ नॉक ऑफ, टू इमिटेट टू डू समथिंग अनविलिंगली, नॉक ऑफ मतलब किसी चीज़ की नकल करना, बिना मन में कोई काम करना, मतलब कि टू डू समथिंग अनविलिंग बिना इच्छा के, नॉक ऑफ मतलब क्या करना, किसी चीज़ का नकल करना। अगला साथ नॉक आउट मतलब टू हिट
टू हिट टू अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब आप चेतना माइंड में आप उसमें सोच नहीं पाएंगे, सोचते होंगे नहीं, यानी टू एनर्जाइज यानी मारकर बेहोश कर देना या जोश से भर देना। अगला सवाल तो लैपअप मतलब तो ड्रिंक, लैपअप जैसे ड्रिंक पिया कर पीता जाता जल्दी में पी जाना, मतलब उसको बोलते जल्दी पिया तो ड्रिंक करना है। तो टच यानी टेंडली जल्दी से पी जाना, कोमलता से छूना। अगला साथ लैच ऑन टू यानी टू बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग, लैच ऑन टू मतलब टू बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग यानी किसी चीज़ को समझना। लैच ऑन टू मतलब क्या होता है साथियों, टू बिगिन टू अंडरस्टैंड समथिंग यानी किसी चीज़ को क्या करना, समझना। अगला साथियों ले डाउन, तो ले डाउन का होता है टू गिव अप आर्म्स यानी टू स्टेट ए रूल, टू गिव अप आर्म्स टू स्टेट ए रूल यानी हथियार डाल देना नियम के रूप में व्यक्त करना। ले डाउन मतलब टू गिव अप आर्म्स, गिव अप आर्म्स, आर्म्स आर्म्स क्या हुआ हाथ, तो गिव हथियार को क्या करना डाल देना या क्या नियम के रूप में व्यक्त करना। अगला साथ ले इन टू, तो ले इन टू क्या हुआ टू अटैक, अटैक करना आक्रमण करना, या टू करना कंज्यूम, कंज्यूम खाना हो गया। टू स्कोल्ड, स्कोल्ड मतलब दांत होंगे डांटना। अगला साथ तो ले ऑफ, ले ऑफ मतलब टू स्टो एम्प्लॉइंग यानी छटनी करना, छटनी जैसे किया जाता है बड़े बड़े जैसे आप देखते होंगे सुनते होंगे गाँव में कि छटनी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है जो बेस्ट मटेरियल, जो बेस्ट मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट में से क्या हुआ अच्छी चीज़ को हटा लेना और जो बेस्ट है उसको अलग कर लेना बेस्ट को। अगला साथ लेट डाउन, लेट डाउन मतलब क्या होता है डिसअपॉइंट समवन यानी निराश करना, निराशा करना। अगला साथ लेट ऑफ, लेट ऑफ मतलब नॉट टू पनिश समबड़ी यानी गलती के लिए दंड नहीं देना, लेट ऑफ मतलब नॉट टू पनिश समबड़ी। अगला साथ लेट आउट, लेट आउट मतलब टू रिवील, टू परमिट टू एक्सिट यानी उजागर करना, जाने के लिए मुक्त कर देना। अगला साथ लाइव बिहाइंड, लाइव बिहाइंड मतलब टू बी द रियल रीजन यानी वास्तविक कारण होना, लाइव बिहाइंड मतलब आगे देखेंगे बाद में साथियों अभी